जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं पीपल के पेड़ की। पीपल का पेड़ से हिंदू धर्म में पवित्र और बहुत ही शुभ माना जाता है। पीपल का अर्थ होता है अश्वत्थ। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही पूजनीय वृक्ष माना गया और मान्यता है कि पीपल के पेड़ के हर पत्ते में देवताओं का वास होता है। ऐसा इस पेड़ के पत्तों में धार्मिक महत्व के साथ साथ स्वास्थ्य के लाभ भी निहित है और पीपल के पेड़ की पूजा करने के कुछ नियम भी होते हैं। और दोस्तों नियमों के आधार पर अगर हम पूजा करते हैं तो जीवन में खुशियां भी खुशियां आती है। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत अगर हम नियमों का उल्लंघन करते, उनकी परवाह नहीं करते, ध्यान नहीं देते तो उसके बदले में हमें मिलता है कंगाली और दरिद्रता का वरदान। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि हमें पीपल के पेड़ की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, किस और किस समय नहीं करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों पीपल के पेड़ में शनि देव का वास शनिवार के दिन क्यों होता है, इससे जुड़ी कथा भी जानेंगे। सारी जानकारी के लिए वीडियो जो है आपने पूरा देखना है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा और साथ ही दोस्तों अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर जान पहचान के लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। और हमेशा की तरह दोस्तों कॉमेंट में जरूर से लिखिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पीपल के पेड़ के बारे में। दोस्तों भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और अग्र भाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप में विराजित रहते हैं। और वहीं जगह स्कंद पुराण की माने तो पीपल के मूल में विष्णु भगवान, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास होता है। भारतीय जन जीवन में वनस्पतियों वृक्षों का वे देवत्व की अवधारणा जो लंबे समय से चली आ रही है दोस्तों। और यही कारण है कि धार्मिक दृष्टि से पीपल को देवता मानकर पूजन किया जाता है। लेकिन दोस्तों धार्मिक दृष्टि ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी पीपल के पेड़ का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि दोस्तों हमें जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऑक्सीजन की। और दोस्तों अधिकतर पेड़ जो होते हैं दिन के समय तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, किंतु रात के समय वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन दोस्तों पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो हमेशा ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है पीपल का। इसलिए वैज्ञानिक हिसाब से ये पेड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों जहाँ ये इतना शुभ पेड़ अच्छा होता है, लेकिन इसका घर में होना शुभ नहीं माना जाता है। और दोस्तों ये जो पीपल का पेड़ है वो बहुत आसानी से कहीं पर भी उग जाता है। और तो देखा हो घर के बाहर पीपल का जो पौधा है वो उगाता है, ये एक ऐसा पौधा जो कहीं भी उग जाता है। और हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना गया, लेकिन फिर भी इसे घर में लगाना बिल्कुल से वर्जित है दोस्तों। इसलिए अगर आपके घर में पीपल का पेड़ उगाया तो आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर पीपल का पेड़ घर में उगाए तो उसे तुरंत ही काटने की गलती ना करें दोस्तों। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने पीपल के पेड़ को रविवार के दिन ही अगर हटाना है तो रविवार के दिन ही हटाना। और हटाने के लिए पहले आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है, उसके बाद पीपल के पेड़ को आपने वहाँ से हटाना। और ध्यान रखें कि उसकी जड़ें जो बिल्कुल भी ना कटे, और किसी अगर छोटा है तो किसी गमले में ट्रांसफ़र करके या फिर किसी मंदिर में है उसे स्थापित करवा दें। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखें कि उसकी जड़ें कटी नहीं और मरना नहीं चाहिए, उसे कहीं दूसरी जगह आपने शिफ्ट कर देना चाहिए। क्योंकि पीपल का पेड़ जो है उसे ब्रह्मा माना गया। और दोस्तों इस तरह से पेड़ की जो है क्षति होती है तो बहुत ही दुखदायी होती है। और साथ ही दोस्तों आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि घर की पूर्व दिशा में पीपल का पेड़ कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो घर में पैसों की कमी सदा बनी रहती है। और आपने जो गमले में ट्रांसफ़र किया उसे भी अपने घर में नहीं रखना है, आपने किसी मंदिर में उसे लगवा देना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि पीपल का पेड़ जहाँ इतना पॉजिटिव माना गया, वहीं अगर ये घर में लगा रहे तो घर में नकारात्मकता बढ़ती है। पीपल के काटने से वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आती हैं, संतान की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, संतान होने में समस्या पैदा होती है क्योंकि वंश वृद्धि को रोकता है। इसलिए आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि पीपल का पेड़ पहला चीज तो कि घर में होना नहीं चाहिए। अगर पीपल के पेड़ की छाया भी अगर आपके घर में पड़ रही होगी तो वह भी आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों को पैदा करेंगी। क्योंकि दोस्तों
पीपल का पेड़ है वो निर्जनता लाता है, इसलिए जिस भी परिवार के घर में होता है वहाँ पर एक तो पति पत्नियों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होते, तनाव रहता है और वंश वृद्धि में समस्या पैदा होती है। दूसरी चीज ये होती है कि पीपल का पेड़ होने से घर में नकारात्मकता आती है और जिससे घर में धन जो है वह नहीं टिकता है। दोस्तों ये तो हुआ, पीपल का पेड़ अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आपने क्या करना है, किस तरह से हटाना है। अब हम ये जान लेते हैं कि पीपल के पेड़ को भगवान शनि का वरदान कैसे मिला। दोस्तों इसके लिए कथा आती है कि अगस्त ऋषि दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर गए और सत्यया की दीक्षा लेकर एक वर्ष तक यज्ञ करते रहे। उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था और केटप नाम के राक्षस ने पीपल का रूप लेकर यज्ञ में ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों को मार मार कर खाते जाने लगा। जैसे ही कोई ब्राह्मण पीपल के पेड़ की टहनिया या पत्ते तोड़ने जाता तो राक्षस उनको खा जाता और दिन भर अपनी संख्या कम होते देख ऋषि मुनि मदद के लिए शनिदेव के पास पहुंचे। इसके बाद शनि ब्राह्मण का रूप लेकर पीपल के पेड़ के पास गए। वहीं पेड़ पर बना राक्षस शनि का साधारण ब्राह्मण समझ कर खा गया। उसके बाद भगवान शनि ने उसका पेट फाड़कर बाहर निकले और सबका और उसका अंत कर दिया। और राक्षस का अंत होने से प्रसन्न ऋषि मुनियों ने शनि को बहुत अधिक आशीर्वाद दिया और शनि ने भी प्रसन्न होकर कहा कि शनिवार के दिन जो भी पीपल के पेड़ को स्पर्श करेगा उसके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। वहीं जो व्यक्ति इस पेड़ के पास स्नान ध्यान हवन पूजा करेगा उसे मेरी पीड़ा कभी भी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों शनिवार के दिन खास तौर पर शाम के समय रात्रि के पहले जो है शाम के समय जो है वो शनि देव की पूजा की जाती हो। दोस्तों इस समय अगर कोई व्यक्ति दीपक जलाता है तो शनि देव की विशेष कृपा जो है उस व्यक्ति पर बनी रहती है। साथ ही दोस्तों जो भी शनिदेव की दशा से पीड़ित है उन्हें साथ में हनुमान जी की पूजा भी जरूर से करनी चाहिए। दोस्तों अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक जो कि ये कि इस किस समय जो है हमें पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों वो होता है शाम के बाद का समय, रात्रि को 7 बजे के बाद में पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। कि दोस्तों उस समय अगर जाते हैं पूजा अर्चन करते हैं तो घर में आती है दलितता। इसलिए दोस्तों भूल कर भी आपने शाम के बाद में रात को 7 बजे के बाद में आपने पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, पूजा अर्चन नहीं करनी चाहिए, ना ही जल चढ़ाना चाहिए और ना ही दिया जलाना चाहिए। सब काम जो है जल चढ़ाने का काम आपने दिन में करना है 12 बजे के पहले और दीपक जलाने का काम आपने शाम के समय करना है। साथ ही दोस्तों रविवार के दिन भूल कर भी आपने पीपल के पेड़ को जल अर्पित नहीं करना है। अगर आपने भूल कर भी ऐसी गलती कर ली तो दोस्तों आपके घर का धन वैभव सुख शांति सभी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि कहानियों में ऐसा आता है, पुराणों में ऐसी कथा आती है कि रविवार के दिन और संध्या के बाद में पीपल के पेड़ पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और साथ ही अलक्ष्मी का वास होता है, जिन्हें की माँ लक्ष्मी की बहन कहा गया है। और दोस्तों जिस व्यक्ति पर अलक्ष्मी की दृष्टि पड़ जाती है उसके जीवन से माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है। इसलिए दोस्तों आपने विशेष तौर पर ख्याल रखना है, जब भी आप पीपल के पेड़ की पूजा करें तो आपने सुबह के समय करनी है और साथ ही दोस्तों पीपल के पेड़ की पूजा करते वक्त जिसका ख्याल रखें, जब उस पर हम कच्चा सूत या कलावा लपेटते हैं तो वो हमें परिक्रमा करते करते ही लपेटना चाहिए। कभी भी परिक्रमा के पहले कलावा लपेट कर फिर परिक्रमा नहीं करनी, या तो आप परिक्रमा करते करते कलावा लपेटें या फिर परिक्रमा करने के बाद कलावा लपेटें, लेकिन आपने परिक्रमा के पहले कलावा कभी भी नहीं लपेटना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पीपल से जुड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। हो सकता है दोस्तों जाने अनजाने आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हो तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रख लेना है। अगर आपके जान पहचान के लोग में किसी के घर के आसपास अगर पीपल का पेड़ है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। उन्हें जरूर से बताएं कि पीपल के पेड़ को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, अगर है तो किस तरह से हटाना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो सके। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर जान पहचान के लोगों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अपना देश चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो फौरन कर डालिए और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों धर्म विज्ञान और वास्तु से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी आपने जानने की इच्छा है तो आप कॉमेंट करके जरूर से बताएं। और इसके लिए आप दोस्तों
अपना देश चैनल के लेटेस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर शीघ्र अतिशीघ्र मिल सके। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।